कहाँ रखा है? उस लेडी ने कहा था छठवें रो में है। नहीं नहीं रुको रुको, वानी वानी यहाँ यहाँ पीछे पीछे। सीरियल सेक्शन। भाइयों देखो, यहाँ पर दुनिया भर के सारे सीरियल्स रखे हुए हैं। लग रहा है मीठे सपनों की दुनिया में हूँ। आइस पैर को मीठा पसंद है। हमारे सामने खजाना है भाइयों, लेकिन हम किसे चुने? कितने सारे यहाँ। चलो ना कुछ नया ट्राई करते हैं। ये वाला ओकी वीट फ्लेक्स, जितना है ओक उतना ही है वीट। ये सीरियल बहुत बोरिंग है जी। एक आइडिया आया है। पता है हम सीरियल को कैसे चुनेंगे? मैस्कॉट को देखकर, जैसे शुगर नैक्स का टेडी टॉट। ये वाला बिल्लीदार किटी कैट। आइस पैर को सेना बनी पसंद है। फ्रूटी बॉट, नटी बॉडी जेरी। भाइयों यकीन नहीं हो रहा, ये देखो क्या है ये? ये फ्रॉस्टी फ्लॉप्स है। इस सीरियल का मैस्कॉट सबसे अच्छा है। ओह हाँ, मुझे याद है बचपन में मैंने इसकी एड देखी थी। आइस बेयर को सीरियल चुराने वाले पसंद नहीं है। वो ये देखो क्या लिखा है, नया फ्रेशी बेयर ढूंढने के लिए कॉन्टेस्ट रखा है। इसमें लिखा है कि जीतने वाले को नई एड में लिया जाएगा। वाओ, और उसे जिंदगी भर फ्रॉस्टी फ्लॉप्स मुफ्त में मिलेंगे। आइस बेयर का दिल ये सुनकर खुश हुआ। क्या कहते हो, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ हमारे लिए बना है, क्योंकि हम तीनों कौन है, हम भालू हैं। तो ये सीरियल खरीदे या नहीं? हा? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी जीतेगा तो उसे जिंदगी भर मुफ्त में मिलेगा। फ्री सीरियल, फ्री सीरियल। आइस बेयर इनके पैसे देने वाला था। मैं कह रहा हूँ ना, हम जीत कर ही जाएंगे, ये काम हमारे लिए आसान है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। फिकर नॉट, ये सब अनाड़ी लग रहे हैं। चलो चलो अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना रह ही नहीं सकता। ओ बहुत अच्छा बोला, अब मेरी बारी। मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मस्त। आइस बेयर फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना नहीं रह सकता। इतनी अच्छी एक्टिंग पहली बार देख रहा हूँ, तुम लोग असली भालू लग रहे हो। थैंक यू सर। क्या आपको लगता है हम में से कोई चुना जाएगा? और नहीं तो क्या, बिल्कुल। किसके चांसेस ज्यादा लगते हैं? कैसे बताऊँ, वैसे कोई भी चुना जा सकता है। ठीक है, किसी एक का नाम ले लीजिए। यहाँ कोई ग्रिजली है? मैं ही हूँ। हाय, मैं हूँ ग्रिज। ग्रिज, मेरा नाम ग्रिज है। चलो तुम्हारी बारी है। ये अब मुझे क्या करना है? कैमरा में सामने अपने मार्क पर खड़े हो जाओ। तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ। हाय, मेरा नाम ग्रिज है। मैं गुफा में रहता हूँ, मुझे कराटे करना पसंद है, और मैं अगला फ्रेशी बेयर बनने को तैयार हूँ। आपका नाम क्या है सर? हाय, मैं पांडा हूँ। आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? मैं गा सकता हूँ और नाच सकता हूँ। अपना नाम बताइए। आइस बेयर। आपके अंदर भालू जैसी क्या क्वालिटी है? आइस बेयर तो एक आइस बेयर ही है। ओके ग्रिज, अब अपनी लाइन पढ़कर सुनाओ। ओके ठीक है, मैं अपने हाँ ठीक है, अब मैं रेडी हूँ। हाँ, मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना रह ही नहीं सकता। मैं तो अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना रह ही नहीं सकता। हाँ ओके, इसे थोड़ा और क्यूट रख सकते हैं। मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना रह ही नहीं सकता। हाँ ओके, अब अपनी लाइन पढ़िए। आइस बेयर अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना नहीं रह सकता। नहीं, लाइन ये है कि मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना नहीं रह सकता। आइस बेयर अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना नहीं रह सकता। ये देखिए दूसरा फ्रेशी बेयर। अय्यो, मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना रह ही नहीं सकता। आपको एक और फ्रेशी बेयर दिखाता हूँ। मोटा भाई, मैं फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना तो रह ही नहीं सकता है। बेबी, मुझे चाहिए फ्रॉस्टी फ्लॉप्स। प्लीज, जो लिखा है वही पढ़िए। मैं आइस बेयर फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना नहीं रह सकता। जाओ निकल जाओ यहाँ से, वो मेरे फ्रॉस्टी फ्लॉप्स है। फ्रॉस्टी फ्लॉप्स। ओके, हंसकर दिखाओ। अब उदास होकर चलिए थोड़ा गुस्सा दिखाइए। मैंने कहा फ्रॉस्टी फ्लॉप्स मेरे हैं, सिर्फ मेरे और किसी के नहीं। ओके सर, आई थिंक इतना काफी रहेगा, आप वेटिंग रूम में वेट करिए। आइस बेयर का पैर सो गया है। ओके सब लोग सुनिए, मैं जिनका नाम लूंगी उन्हें ऑडिशन के लिए कल सुबह फिर से आना है। हमारा नाम लो। कहाँ गया? ओके, ग्रिजली, पांडा, यस, और अलोंजो टाइगर हार्ट। ये कौन है? आइस बेयर ने नया नाम रखा है। हाँ, कई हीरो लोग फिल्मी नाम रखते हैं भाई। ये लो फ्रॉस्टी फ्लॉप्स की कुछ बॉक्सेस, तुम इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, कल सुबह जल्दी आना। भाइयों, हम तो बनने वाले हैं स्टार। फ्रेशी बेयर अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स। हाँ मुझे पता है। ओके, बीच में बोलकर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ। ये पहनकर मेरे साथ चलिए। तुम तीनों का स्वागत है, मैं इस एड का डायरेक्टर हूँ।
तुम तीनों को खुद पर नाज होना चाहिए कि तुम फ्रेशी बेयर के फाइनल कैंडिडेट्स हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम में से कौन फ्रेशी बेयर नहीं है। ये क्या है, मेकअप? नहीं सर, अब ये मेरा बर्थमार्क है। तो तुम एक रैकून हो। हम लोग एक भालू को ढूंढ रहे हैं मिस्टर। मैं भालू ही हूँ सर। हाँ, यहाँ आने वाले सब ऐसा ही कहते हैं। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अगले फ्रेशी बेयर बनने के लायक हो। तुम अभी मुस्कुराए क्यों? फ्रेशी बेयर बिना किसी वजह से मुस्कुराता या रोता नहीं है। उम्मीद है तुम आगे से ऐसी बचकानी गलतियां करके मुझे निराश नहीं करोगे। ऑलराइट, चलो अपना हुनर दिखाओ। ग्रिजली स्टार्ट। यस सर। मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना। स्टॉप पांडा, तुम्हारी बात। मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स। नेक्स्ट। रुको। क्या फ्रेशी बेयर ऐसा है? फ्रेशी बेयर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सत्यानाशी बेयर था। फ्रेशी बेयर एक पॉप आइकॉन है। तुम्हें उसके लेवल तक आना होगा। मुझे तुम्हारी काबिलियत जाननी है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है? फ्रेशी बेयर डांस करता है और तुम मुझे अपना बेस्ट बेयर डांस दिखाओ। क्या बात है। हार ना मानो, नाचते रहो तुम, हार ना जो भी। बीच में से हट जाओ आईसी, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। बीच में से हटो आईसी। मैं अपने फ्रॉस्टी फ्लॉप्स के बिना रह ही नहीं सकता। हे, ये क्या? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मानना पड़ेगा तुम लोगों ने कमाल कर दिया। तुम में से एक को चुनना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फ्रेशी बेयर तो कोई एक ही हो सकता है। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है। पांडा तुम। क्या सच में? तुम्हारा चेहरा भालू नहीं रैकून जैसा है। ग्रिजली, तुमने डांस करने की कोशिश अच्छी की पर डांस अच्छा नहीं था। किसने कहा मैंने अच्छा डांस नहीं किया? आइसबेयर, तुम बहुत अजीब हो। आइसबेयर का डांस आइस जैसा कूल था। अच्छा, तो फिर नया फ्रेशी बेयर बन कौन रहा है? ओ, तुम तीनों फ्रेशी बेयर बनने के बहुत करीब थे पर अफसोस नहीं बन पाए। तो मुझे ये बताते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि नया फ्रेशी बेयर अगर कोई होगा तो वो होगा मैं। क्या? मैं तुम तीनों को ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस रोल के लिए सिर्फ मैं ही सही हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं। बच्चों को मैं बहुत पसंद आऊंगा। अच्छा, तो यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इन्हें इनका कन्विंस दे दो और बाहर का रास्ता दिखाओ। थैंक यू। गेम लेने जा रहे हैं। हम 2 घंटे में वापस आएंगे। हाँ, लाइफ है कूल, उसमें खो जा, तो कदम आगे जाओ, भूल सब घुमा, रहो तो कूल, जहां मर्जी जाओ। कहां होगे सारे झटका, कहां होगे तुम वाओ, देखो अपने बाएं फिर देखो दाएं, रहो तो मस्त कोई भी आ जाए, देखो अपने बाएं फिर देखो दाएं, देखो अपने बाएं फिर देखो दाएं, रहो तो मस्त कोई भी आए या जाए। या ओ या, हल्का महसूस करो, हवा में उड़ते रहो, अपने दिल को तुम हर दम खुश रखो। सारी टीपीएस रिपोर्ट्स कल सुबह तक आपके ऑफिस में पहुंच जाएंगी।
अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरे साथ चलो। दोस्तों इसे देखो, ये यहाँ पर नया है। नया है? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तुम यहाँ करोगे क्या? ऑफिस का काम। तुम बहुत फनी हो यार। देखना तुम्हारे यहाँ बहुत सारे दोस्त बनेंगे। सब काम पर लग जाओ। है, अच्छा कर रहे हो। क्या बात है, करते रहो, बहुत बढ़िया। हेलो सर। हेलो एम्प्लॉई। ये तो बॉस है। सुनो दोस्त, मुझे बैठने दो ना। कितनी बार कहा है मेरे पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नए हो, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? ग्रिज। ग्रिज, हाँ मुझे पता है, पहला दिन है ना? हाँ। बिल्कुल सही ड्रेस में हो। तुम्हें यहाँ मजा आ रहा है कि नहीं? कंपनी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बड़ा सोचना चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। आई लाइक इट। मैं तुम्हें इसी वक्त प्रमोशन दे रहा हूँ। तुम हो डायरेक्टर ऑफ प्रेजेंटेशंस, बनना चाहोगे ना? हाँ हाँ। ये हुई ना बात, शाम तक प्रेजेंटेशन तैयार हो जानी चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या होता है? मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पर मुझे तो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझसे ये नहीं होगा। मैं यहाँ क्यों आया? मैं क्या करूँगा, मुझे तो कंपनी का नाम भी नहीं पता। पर सबको मुझ पर कितना भरोसा है। ओके, मेरे पास 5 मिनट है। पता नहीं मैं क्या करूंगा, पर जो भी करूंगा दिल लगा कर करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बोर्ड के मेंबर्स, प्लीज हमारे नए डायरेक्टर ऑफ प्रेजेंटेशंस का स्वागत कीजिए। थैंक यू। चीटिया, एटम्स और एक प्रॉन, इन सब में क्या समानता है पता है? ये सारे छोटे हैं। कुछ कंपनीज का दिल छोटा होता है, पर वो डोनट्स नहीं खिलाते। डोनट्स ना मिलने से एम्प्लॉयज दुखी होते हैं और इसकी वजह से कंपनी छोटे, बहुत छोटे मुनाफे कमाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी उसी का हल देने वाला हूँ। और इस प्रॉब्लम का हल है बड़ी सोच, बड़े ट्रक्स, बड़े पहाड़, बड़े सैंडविच। हमारी कंपनी को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बड़े आइडियाज, बड़े गोल्स, बड़ा दिल। सोते जागते सिर्फ सोचो बड़ा बड़ा बड़ा, फिर सब कुछ अच्छा होगा। मुझे डैडी, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे पहले सांस तो लेने दो। समांथा, तुम इस तरह मीटिंग में क्यों घुसाई? अब से मैं इसके साथ रहूंगी डैडी। अच्छा, तुमने ये डिसीजन कैसे लिया समांथा? पांडा बताओ ना। हाँ सर, हम साइकिल पर थे, फिर हमारी धुलाई हुई और फिर हम एक बिल्डिंग के ऊपर गए और वहीं मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके साथ अच्छे से रह सकती हूँ। क्या कहा, बिल्डिंग के ऊपर? मैंने तुम्हारी मम्मी को भी ऐसे ही पूछा था, मुझे तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा। हमारी सोच कितनी मिलती है? ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है। ऐसी क्या ये सच है? और तुम, मुझे तुम्हारी कही एक बात भी समझ नहीं आई, पर अच्छा लगा, बड़ा सोचते हो। क्या सच में? हाँ, और हमारे पास हमारे नए प्रोडक्ट के लिए एक परफेक्ट मॉडल भी है। इसका मतलब आप इसे बेचने वाले हो? नहीं 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 नहीं, ये हमारे लिए बेचेगा। ये हमारा नया कपड़े धोने का साबुन बेचेगा, बिल्कुल धो डाला। तुम्हारे आइडियाज, इसका स्टाइल और समांथा के फ्रेंड के साथ हम लाखों कमाएंगे। आइस बेयर को बचाओ। मैं शेयर होल्डर्स को बता देता हूँ, हमारे स्टॉक्स और महंगे हो जाएंगे, पूरी मार्केट मेरी मुट्ठी में होगी। सब लोग मेरी बात सुनो। ग्रेस, नीचे उतरो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, वो। ये, ऑफिस में शावर। सैम, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, ये है मेरी असली पहचान। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ रहने के बारे में फिर सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए।
आजादी। हम शान से कहते हैं कि हम भालू इस तरह से बिल्कुल नहीं जीना चाहते। क्या तुम कंपनी छोड़ रहे हो? हाँ, इसे हमारा रेजिग्नेशन ही समझना मिस्टर सीईओ। चलो भाइयों, हम आजाद हैं।